हेलो फ्रेंड्स, ये देखिए आज मैं आईटी की कटिंग करने जा रही हूँ। इसमें मैं आपको कटिंग और स्टिचिंग दोनों दिखाऊंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, हम कटिंग करते हैं। ये मैंने 2.5 मीटर कपड़ा लिया है फ्रेंड्स। पहले हम इसको फोल्ड कर लेंगे। क्या है ये? मेरे बंद साइड है और ये मेरी ओपन साइड है। ये मेरी फोल्ड वाली साइड है फ्रेंड्स, और ये मेरी ओपन वाली साइड है। ये देखिए, सबसे पहले हम लेंथ लेंगे। लेंथ मेरी 50 है। 50 में हम 2 इंची प्लस करेंगे फ्रेंड्स। ये देखिए, 50 में 2 इंची प्लस करेंगे, ये 52 हो गया। ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें हम 2 इंची प्लस करेंगे। ये देखिए, क्योंकि 1/2 इंची इधर सिलाई में जाएगा और 1.5 इंची उधर फोल्ड में जाएगा फ्रेंड्स। फिर हम इसको डबल कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने इधर तक कपड़ा ले लिया है। ये देखिए, ये मेरा कपड़ा है। इतना कपड़ा हमारा बच जाएगा। तो पहले हम लेते हैं फ्रेंड्स, जितना भी हमारे पास एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट कर लेना है। अब हमको ड्राफ्ट लगाना है। ये देखिए फ्रेंड्स, शोल्डर मेरे, लंबाई मेरी 50 थी, उसमें मैंने 2 प्लस कर लिया। अब मेरे शोल्डर 15 है फ्रेंड्स। तो 15 का 1/2 हो गया 7.5, क्योंकि ये हमारे शोल्डर नाइटी है। नाइटी के शोल्डर थोड़े लूज ही रखने हैं, और आर्म होल्स भी मैं 7 रखूंगी फ्रेंड्स। चेस्ट 38 है, तो 9.5 हो गया। 9.5 के बाद हमें 2-2 इंच की लूजिंग देनी है फ्रेंड्स। 2 इंच की लूजिंग देनी है, क्योंकि ये नाइटी है, थोड़ा लूज ही पहना जाता है। सूट में हम 1 इंची या 1/2 इंची की लूजिंग देते हैं, मगर इसमें हम 1/2 कर लेंगे। 1/2 करके 1/2 इंची ले लेते हैं और फ्रंट की गोलाई कर लेंगे। ये हमारी फ्रंट की गोलाई है, ये हमारी बैक साइड की गोलाई है। उसके बाद फ्रंट हम यहाँ से 1 इंची की कटिंग का मार्जिन रख लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, और फिर यहाँ से 14, 14 और 22 पर ये हमारा कमर का निशान है और ये हमारा हिप्स का निशान है फ्रेंड्स। तो कमर हमारी 30 है, तो 30 हो गई। 7.5, 7.5 कैसे हुई? 30 का 4/4, 30 को 4 से डिवाइड किया तो 7.5 आ गया। 2 प्लस करेंगे सिलाई के लिए और 1 इंची कटिंग के लिए मार्जिन रखेंगे। हिप मेरा 40 है फ्रेंड्स, तो 40 का 4/4 10 हो गया, और 2 इंची मार्जिन रखेंगे, 1 इंची कटिंग के लिए रखेंगे फ्रेंड्स। ये देखिए, ये मेरा ड्राफ्ट हो गया। अभी मैं गला में 3 इंची का रखूंगी फ्रेंड्स। 3 विड्थ हो गई और लंबाई मेरी 6 हो गई। हालांकि ये मैं कटिंग नहीं करूंगी, मगर फिर भी नीचे से हम 2.5 रखेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम फट्टी से इसको मिला लेते हैं। पहले फिटिंग की सिलाई मिलाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से पहले फिटिंग की मिलाएंगे सिलाई। फिर हम
कटिंग की मिलाएंगे फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, उसके बाद हमें फूल में नीचे से मैं, ये देखिए फ्रेंड्स, नीचे से मैं फूल घेरा रखूंगी, जितना मेरा कपड़ा है उतना मैं फूल रख लूंगी। ये मेरा 7.5 17 है तो 17.5 का 17.5 रख लूंगी फ्रेंड्स। 2 इंची का मार्जिन हमने नीचे रख लिया है फोल्ड करने के लिए 1.5 इंच के करीब, और फिर हम इसको इस तरीके से कटिंग के निशान को मिला लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरी ए लाइन कटिंग हो गई है। बिल्कुल इजी है फ्रेंड्स। 12 इंच, 12 हमारा लूजिंग के लिए रहेगा और कटिंग के लिए 1 इंची एक्स्ट्रा रहेगा। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने सारा कटिंग कर लिया। अब हम कटिंग कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए पहले हम दोनों पीस फोल्ड वाले कटिंग करेंगे। इसमें हम एक और कर सकते हैं 1/2 इंची की, इधर से हमको कटिंग देनी पड़ेगी फ्रेंड्स। तो चलिए कटिंग करते हैं। मैं नेक की कटिंग नहीं करूंगी, इसलिए पहले मैं ऐसे करती हूँ। फिर मैं दोनों कटिंग एक साथ करूंगी, बैक साइड की, फ्रंट की बाद में करूंगी फ्रेंड्स। ये देखिए, ये देखिए अब हमारा फ्रंट का भाग अलग कर लेंगे फ्रेंड्स इस तरीके से, और बैक साइड हम हटा देंगे और फ्रंट की कटिंग कर लेंगे फ्रेंड्स। ये देखिए, ये हम आगे की कटिंग कर लेंगे इस तरीके से, 1/2 इंच की गोलाई देते हुए। ये मेरी कटिंग हो गई। अब मैं स्लीव्स कटिंग करती हूँ फ्रेंड्स। तो मैं ये चेक करूंगी, इसमें मेरी स्लीव्स होंगी तो इसी में कर लेंगे फ्रेंड्स। ये देखिए, मैं 7 इंची की स्लीव्स की लंबाई रखूंगी और 9.5 मेरी चेस्ट है फ्रेंड्स। तो 9.5 में प्लस हम 2 इंची वही करेंगे और 1 इंची हम नीचे से फिटिंग के लिए लेंगे फ्रेंड्स। इधर से फिर हम 3 इंची माइनस करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, पहले हम क्या करते थे, सूट वगैरह में 3 रखते थे, इसमें हम 3.5 रखेंगे। ये देखिए 3.5, 1/2 इंची एक्स्ट्रा रखेंगे क्योंकि ये गोलाई के लिए चाहिए। और इधर से हम ऐसे जितना भी कपड़ा आता है, 9.5 आ रहा है, जितना भी हमारे इंची टेप में आता है इसका हमें हाफ करना है। तो ये हो गया हमारा 4.5। उसमें हम 1 इंची लूजिंग के ऐसे गोलाई के लिए रखेंगे और फिर हम कटिंग कर लेंगे फ्रेंड्स। जितनी हमें मोरी रखनी है उतनी रखेंगे। मैं 8 के करीब रखना चाहूँगी क्योंकि थोड़ा नाइटी की स्लीव्स थोड़ा लूज ही अच्छी लगती है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये इस तरीके से आ जाएगी 2 इंची की लूजिंग मेरी इस तरीके से। ये देखिए इधर 2 इंची की लूजिंग ये इस तरीके से आ जाएगी। अब हम इसको कटिंग कर लेंगे। ये फ्रेंड्स, मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा कटिंग करूंगी क्योंकि मेरे पास इधर देखिए थोड़ा हल्का सा एक्स्ट्रा कपड़ा है। ये देखिए इधर भी मैं थोड़ा 1/2 इंची को एक्स्ट्रा, जिससे कि मेरी स्लीव थोड़ी सी लंबी हो जाए फोल्ड करने के लिए, 1 की जगह 2 इंची रह जाए। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा नाइटी कटिंग हो गई है।